हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया। आज मैं आप लोग के साथ नया रेसिपी स्टार्ट करूँगी, उड़द दाल की कचौड़ी। चलिए मैं उसका पूरी रेसिपी प्रॉपर आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट कर। देखिए, जैसे मैंने उड़द दाल की आपकी कचौड़ी बताई हूँ, इसलिए मैं एक ये है 200 ग्राम उड़द की दाल। इसको मैं 5 से 6 घंटे भिगो कर रखी हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी में। देख रहे हैं, मैं चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए दाल कितनी अच्छी फूली फूली हो गई है। इसको मैं 2-3 पानी से वॉश कर लेती हूँ। देखिए मैं उड़द दाल को धो ली हूँ। फिर एक जार ली हूँ, जार में इस दाल को डाल दूंगी, क्योंकि इसकी पेस्ट बनानी है ना। इसी में मैं डाल दूंगी ये 3 हरी मिर्च है, इसको भी डाल देती हूँ। देखिए चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए पेस्ट रेडी हो गई। मुझे इसको ज्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़ी हल्की दरदरी पेस्ट बनानी है। चलिए अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। देखिए मैंने अब मैं दाल के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। फ्राई के लिए गैस जला दी, कढ़ाई गर्म हो गई। अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ। मैं 2 टीस्पून ऑयल डाली हूँ। इसको एक बार ऐसे मिला दीजिए। अब डालेंगे जीरा। यार तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। अब इसमें जाएगा जीरा। जीरा से पहले मैं डालूंगी हींग। तो किसी और के घर करो ना, बड़ा जीरा अभी कच्चा है ना। तो देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे गरम हो गई है। अब इसमें जा रहा है जीरा। देखिए जीरा को कुछ सेकंड चटकने देती हूँ और हींग भी साथ में ही डाल दी हूँ। जीरा चटक गया है। अब इसी के साथ मैं उड़द का जो मिक्सचर बनाई थी उसको ट्रांसफर कर रही हूँ। देखिए अब इसमें मसाला जा रहा है। ये जा रहा है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर जाएगा इसमें धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर ये मिक्स मसाला है वो जा रहा है 1 टीस्पून। फिर थोड़ा सा और डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर नमक जाएगा इसमें स्वाद अनुसार। फिर ये सब डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक चलाते ही भूनूंगी। देखिए ये भून गई है, देख रहे होंगे। अब गैस को ऑफ करके ठंडा होने देती हूँ। तब तक आटा का डो रेडी कर लेती हूँ। देखिए अब आटा का डो रेडी कर रही हूँ। इसमें नमक डालूंगी। कितना नमक डाल देती? अब इसको एक सॉफ्ट डो रेडी करती हूँ। चलिए अब आटा गूंथते हैं पानी डालकर। हाँ देखिए आटा गून गई है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। देखिए आटा भी ले आई और दाल भी है। चलिए अब इसको भरती हूँ। एक छोटा सा गोल लोई लेती हूँ, इसको पहले गोल कर लेती हूँ। लोई ले ली, इसको अब सूखे आटा में इसको थोड़ा सा मैं बेल लेती हूँ। ये कटोरी का शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरह से कटोरी को बना ली। अब इसमें जो मटेरियल था दाल का उसको डालूंगी। देखिए इसको अब चारों तरफ से ढक देती हूँ। तो आप अच्छे बना लेती हो तो आपको नीड नहीं। देखिए ये हो गई बंद। अब इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे से कर लेती हूँ। देखिए मैंने सारा भर ली हूँ। अब चलिए इसको तलते हैं। तलने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस का फ्लेम जला दी हूँ, फ्लेम को कम की हूँ। अब ऑयल डालते हैं। इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल।
ऑयल को गर्म होने देती हूँ, फ्लेम को हाई कर देती हूँ। देखिए मैं कढ़ाई ऑयल गर्म हो गया है, अब फ्लेम को कम कर देती हूँ और जो पूड़ी है इसको थोड़ा बेल ली हूँ, इसको डाल देती हूँ। अब फ्लेम कम करके ही इसको पूड़ी को पकाइएगा, हाई फ्लेम पर पकाइएगा तो पूड़ी, देखिए हाई फ्लेम पर पकाइएगा तो पूरी रेड हो जाएगी ऊपर से और अंदर से कच्चा रहेगा, और ऐसे कम फ्लेम पर पकाइएगा तो अंदर से क्रिस्पी होगी। अब इसको थोड़ा पलट देती हूँ, देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सेकने देती हूँ, तब तक दूसरी पूरी बेल। देखिए पूरी बिल्कुल फुली फुली बन रही है, अब इसको पलट के दूसरे साइड पका लेती हूँ। देख रहे होंगे कितनी अच्छी फुली फुली बन रही है। देखिए पूरी बिल्कुल सिक गई है, दोनों तरफ से रेड हो गया, देख रहे हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको फ्लेम को पहले कम करके अब पूरी निकाल लेते हैं। देखिए मेरी उड़द दाल की कचौड़ी कितना अच्छा लग रहा है, और इसके साथ मैं बनाई हूँ आलू की सब्जी। देखिए देखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी लगेगा। एक बार इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। ओके बाय।